संत के जीवन में, गुरुजन के जीवन में अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो अच्छे से अच्छा महंत क्यों ना हो, संत क्यों ना हो, पीठाधीश्वर क्यों ना हो, मठाधीश्वर क्यों ना हो, कोई विरक्त से विरक्त भी अगर संत है तो मानव का अगर शरीर मिला है तो टेंशन तो उसके जीवन में भी है, चिंता उसके जीवन में भी है। और अगर साधारण सा एक मानव है जो दो रोटी खा रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, दुकान चला रहा है, हाथ गाड़ी चला रहा है, साइकिल रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, पान की दुकान चला रहा है, एक साधारण सा व्यक्ति, मनुष्य का अगर जन्म मिला है, मानव का शरीर मिला है, साधारण से साधारण मानव को भी मानसिक टेंशन, जीवन में चिंता तो रहेगी। एक बात पहले कही थी, आज फिर कहते हैं, घर में हाफ सेट है, घर में डिनर सेट है, भोजन का सेट, घर में सोफा सेट भी है, पर घर में हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, हाफ सेट भी है, फुल सेट भी है, डिनर सेट भी है, सोफा सेट भी है, पर कितने भी सेट इकट्ठे कर लिए पर मनुष्य अपसेट है। मनुष्य सेट नहीं है, मानव जीवन अगर मिला है तो अपसेट ही है, सेट बहुत इकट्ठे कर। मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है जीवन में, तो थोड़ा मानव का शरीर मिलने के बाद मानव अपसेट तो रहे। स्वयं मेरे राम जी महाराज, स्वयं मेरे राघव जी भी अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं, मानव का शरीर अगर मिला है, मानव की देह प्राप्त हुई है, तो भगवान राम को भी चिंता रही है। अगर मेरे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है तो मेरे कृष्ण को भी चिंता रही है। चिंता किसको नहीं थी महाराज। रुक्मणी मैया भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में से एक, पटरानियों में से एक। आप जरा देखिए कि भगवान कृष्ण की रानी होने पर, पटरानी होने पर भी उनको चिंता थी। घर में बेटे का जन्म हुआ, रुक्मणी मैया के गर्भ से भगवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, घर में बेटे का जन्म हुआ और बेटे का जन्म होने के बाद 10वें दिन ही बेटे का हरण हो गया। सुनिए कि नहीं सुनी भागवत जी में, सुना है ना कि बेटे का जन्म हुआ, प्रद्युम्न का जन्म हुआ, और प्रद्युम्न का जन्म होने पर 10वें दिन तो बेटे का अपहरण हो गया। केवल 10 दिन का था बेटा, और केवल 10 दिन के उस बेटे का हरण हो गया था, केवल 10 दिन का। अब जरा विचार करिएगा, एक माता के पास में सोए हुए पुत्र का 10वें दिन हरण हो जाना, माता कितनी रोती होगी, बिलखती होगी, कितना रोती होगी मां, कितना बिलखती होगी। और केवल ज्यादा बड़ा भी नहीं था, केवल 10 दिन का, कितना बिलखना होता हो महाराज। खूब चिंता माता रुक्मणी के जीवन में आई। आपको लगता है कि केवल टेंशन में आप रहते हो, आपको लगता है कि चिंता में आप रहते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मानव का शरीर मिला है, चिंता हर एक मानव के जीवन में रहेगी, टेंशन हर एक मनुष्य के जीवन में रहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भगवान कृष्ण रुक्मणी को बार बार समझाते थे, उसी तरह अगर जीवन में कोई टेंशन आए, समस्या आए, तो शिव महापुराण की कथा भी बार बार समझाने का काम करती है कि ये जीवन में आएगा जरूर पर निकल जाए। दुख आएगा, जीवन में समस्या आएगी,
ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, आएगी, मानव का शरीर है तो समस्या तो रहना है। रुक्मणी मैया खूब रोई। अब देखो भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी रो रही है, उधर राम जी महाराज की कथा को उठाकर देख लो तो माता सीता रो रही है। समस्या आई कि नहीं आई माता जानकी के साथ में? राम जी पर भी समस्या आई, राम जी को भी टेंशन रहा, लखन लाल जी को भी टेंशन रहा, भगवान कृष्ण को भी टेंशन रहा, समस्या क्या नहीं आई? अगर मानव का देह मिला है, हम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला और आपको समस्या नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा, या कोई तुमको बाबा जोगी मिल जाए, कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो तुमसे कहे कि मैं तुमको ऐसा कर देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई टेंशन रहेगा ही नहीं, तो चिंता तो होगी, टेंशन भी आएगा, समस्या भी आएगी, पर इतना याद रखना मेरे भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को समझा समझा कर चिंता कम कर देते हैं, राम जी सीता जी को समझा कर चिंता कम कर देते हैं, और राम जी और कृष्ण जी को चिंता आती है तो देवाधिदेव महादेव समझा कर कम कर देते हैं। उसी तरह आपके जीवन में भी समस्या आए, चिंता आए, आएगी, पर हमें भटकना नहीं, हमें शंकर की शरण में रहना, हमें शिव की चरणारविंद में रहना, हमें शिव चरणों की ओर जाना। जब हम भगवान शंकर के चरणारविंद की ओर जाएंगे, जब हम भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का नाम जाप करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का स्तवन करेंगे, तो अपने आप चिंता समाप्त हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मनुष्य का शरीर